हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 28 जो गाला के क्वेश्चन पेपर सेट में से लिया गया है। बेसिक मैथमेटिक्स का एग्जांपल है और क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का है। तो क्या है एग्जांपल नंबर 28, चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कॉन्स इज 4.5 and the ratio of their radius is 2.3. Find the ratio of their heights. ठीक है, means आपको यहाँ पे बताया गया the ratio of volumes of two cones, मतलब दो cones के volumes, ratio of volume. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो cones के, ठीक है, कितने two cones के ratio of volumes ये गए हैं, कितना है 4.5 and the ratio of their radius, उनकी जो radius है उनकी ratio है 2.3. तो find the ratio of their height, तो उनकी height का ratio find करना है। उनकी height का क्या find out करना है? Ratio find out करना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से solve करेंगे example। तो given that हमें जो दिया है वो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे the ratio of volumes of two cones, ठीक है। तो वॉल्यूम है इसलिए मैं वी के थ्रू शो कर रहा हूँ। तो वी वन जैम वी टू इक्वल्स टू 4.5। नेक्स्ट रेशियो ऑफ देयर रेडिया आर वन जैम आर टू इक्वल्स टू 2.3। तो जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे द रेशियो ऑफ देयर हाइट मीन्स एच वन जैम एच टू डॉट नो शो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 πr² h, क्या है? 1/3 πr² h। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन एंड इस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड कॉन इक्वल्स, उन दोनों का जो डिवाइड किया है वो क्या शो कर रहा है? रेशियो फॉर्म। और उन दोनों का रेशियो फॉर्म क्या है? 4/5। 4.5 को हम 4/5 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है 1/3 πr² h। अभी इसमें फर्स्ट कॉन के लिए r1 लिखा है मैंने और फर्स्ट कॉन की हाइट के लिए h1 लिखा है, ठीक है ना। तो 1/3 πr² h1 एंड डिवाइडेड बाय 1/3 πr² h2 इक्वल्स टू 4/3। r2 सेकंड कॉन की रेडियस शो कर रहा है, h2 सेकंड कॉन की हाइट शो कर रहा है, r1 फर्स्ट कॉन की रेडियस शो कर रहा है, h1 फर्स्ट कॉन की हाइट शो कर रहा है। सिमिलर जो है उसको कट करेंगे, 1/3 इन द डिनोमिनेटर एंड 1/3 इन द नोमिनेटर कैंसल, पाई पाई ऑल्सो कैंसल। तो क्या बचा हमारे पास? तो r1² × h1 एंड इस डिवाइड बाय r2² × h2 इक्वल्स टू 4/5। अभी r1 की वैल्यू कितना है? तो आप देख सकते हो r1 इक्वल्स टू क्या है? 2। तो हम लिखेंगे 2² × h1। h1 हमें फाइंड आउट करना है इसलिए हम ऐसे ही जाएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। एंड इस डिवाइड बाय r2 की वैल्यू कितनी है? r2 की वैल्यू है 3। तो हम लिखेंगे 3² इंटू h2 हमें पता नहीं, एज इट इज इक्वल्स टू 4/5 ऑल्सो एज इट इज। तो 2² × 2 = 4 मल्टीप्लाई h1 एंड इस डिवाइडेड बाय 3² × 3 = 9 मल्टीप्लाई h2 इक्वल्स टू 4/5 एज इट इज, डन चेंजेस। अभी सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है, क्या करने वाला हूँ? ऊपर से ना चला जाए, प्लीज ध्यान दीजिए। तो h1 / h2 फाइंड आउट करना है तो एज इट इज रहेगा। अभी ये जो 9 डिनोमीटर में है वो उस और चला जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखा 4 × 9। अभी ये जो 4 है नोमिनेटर में वो डिवाइड के इक्वल के उस और जाएगा तो डिनोमीटर में आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 4, ठीक है। आप देख सकते हो 4 नोमिनेटर का 4 डिनोमीटर का कैंसल, तो क्या बच्चा आंसर हमारा आया? आंसर 9/5 मीन्स therefore h1 / h2 equals to क्या आया? 9/5, ओके 9/5। hence the ratio of their heights equals to 9/5 and it is our final answer, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद एंड जय भारत। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, ओके। गुड लक अगेन।